गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मी सलोनी सिन्हा. वेलकम और वेलकम बैक टू जस्ट एक कॉस्मेटिक्स. सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ यूजिंग मेकअप. सो मेकअप यूज करने से बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. हर चीज के इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स होते ही है, तो मेकअप के भी हैं. अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए. एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो ऐसे कौन से लोग नहीं है जिनको मेकअप लगाना पसंद नहीं है? वी ऑल लव अप्लाइंग मेकअप्स, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. तो जो केमिकल जो मेकअप्स होते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज केमिकल फॉर्मुलेशन होते ही हैं. एंड अगर वो हमारे स्किन पे रह जाता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है. तो जब भी आप मेकअप यूज़ करो तो मेक श्योर जब भी आप खरीदने जाओ तो चूज़ करो वाइजली. ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करो जो आपके फेस के लिए भी अच्छा हो, उसमें हैवी अमाउंट ऑफ केमिकल्स ना हो. वैसे प्रोडक्ट्स को प्लीज़ अवॉइड करो यूज़ करना. सो बेसिकली जितने भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं. तो अगर आपके पोर्स क्लॉग हो जाएगा तो आपका जो फेस है वो सांस कैसे लेगा? और ये पिंपल, एक्ने, ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम्स लेके आता है. तो मेक श्योर आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करो, पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करो. एंड ऐसे टिंटेड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. लाइट बेस्ड जो फाउंडेशन होते हैं वैसे यूज़ कर सकते हो. बहुत हैवी मेकअप यूज़ नहीं करो. अगर आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से क्लीन करो, अच्छे से डबल क्लिनजिंग करो. एंड डबल क्लिनजिंग के लिए आप कर सकते हो, सबसे पहले आपको माइसेलर वाटर से अपना मेकअप को रिमूव करना है. उसके बाद आप, अगर आपके पास क्लिनजिंग बाम है तो आप उससे रब कर सकते हो. एंड मेकअप जो वाइप्स आते हैं या फिर मेकअप पैड्स आते हैं उससे रिमूव कर सकते हो. उसके बाद आप अपना फेस वॉश यूज करो और उसके बाद अपना स्किन केयर करो तो आपका फेस बेटर रहेगा. और मैं भी रेगुलर बेसिस पर मेकअप करती हूँ और मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से डबल क्लेंस करती हूँ, तभी मुझे एक्ने की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है. एंड मेक श्योर कि आप ज़्यादा पानी पियो. आपके हेल्थ आपका जो डाइट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप क्या खा रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कि आप क्या इनटेक कर रहे हो. रादर देन अप्लाइंग समथिंग, योर इनटेक शुड बी वेरी गुड. सो जब भी हम मेकअप करते हो तो आई मेकअप बहुत अच्छे से करना ज़रूरी, रिमूव करना बहुत अच्छे से ज़रूरी, क्योंकि कुछ कुछ पार्टिकल्स हमारे आई मेकअप में रह जाते हैं जो आपके आईज़ के अंदर चल जाते हैं. तो आपको आईज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, तो वो आपके आईज़ के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है आईज़, राइट? तो मेक श्योर कि आप अपना आई मेकअप अच्छे से रिमूव करो. अगर आपके पास जेल नहीं है, मेकअप रिमूविंग जेल नहीं है, तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो और उसको रब करो सर्कुलर मोशन में. और बहुत ज़्यादा हार्श मत रहो ताकि आपके आईज़ को वो नुकसान ना पहुँचाए. तो बहुत जेंटली आपको उसको रिमूव करना है सर्कुलर मोशन में, उसके बाद वाइप करना है. एंड मेकअप अगर अच्छे से रिमूव किया जाए और मेकअप सही यूज़ किया जाए और सही अमाउंट में यूज़ किया जाए तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा. तो आपको ये सब चीज़ों के ध्यान रखना है. एंड इस वीडियो को प्लीज़ सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि जो भी रेगुलर बेसिस पे मेकअप करते हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके स्किन में जो भी एक्ने ब्रेकआउट्स है उससे आप छुटकारा पा सको. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.